मैं हूँ हीरो जूम। मैं हूँ होंडा डियो। मैं आता हूँ 110.9 सीसी इंजन के साथ जो कि 8.15 पीएस का पावर जनरेट करता हूँ। और मैं आता हूँ 109.5 सीसी इंजन के साथ जो कि 7.76 पीएस का पावर जनरेट करता हूँ। तो एक पॉइंट हीरो जूम को। मैं आता हूँ एलईडी हेडलैम्प के साथ। और मैं भी आता हूँ एलईडी हेडलैम्प के साथ। तो एक पॉइंट दोनों मॉडल्स को। मैं आता हूँ फुली एलसीडी डिस्प्ले के साथ जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी दिया गया है। मैं भी आता हूँ एलसीडी डिस्प्ले के साथ लेकिन यहाँ पे कोई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं दी गई है। एक पॉइंट हीरो जूम को। मेरी फ्यूल फिलिंग सीट के नीचे है और मेरी फ्यूल फिलिंग सीट के बाहर है। तो एक पॉइंट होंडा डियो को। मैं देता हूँ 45 से 50 kmpl तक माइलेज। और मैं भी देता हूँ 45 से 50 kmpl तक माइलेज। एक एक पॉइंट दोनों मॉडल्स को। मेरे टॉप मॉडल की एक्सरूम प्राइस 76,999 रुपए तक है और मेरे टॉप मॉडल की एक्सरूम प्राइस 72,626 रुपए तक है। तो एक पॉइंट होंडा डियो को। तीन दोनों में से कौन से आपको बेहतर लगी, मैं या फिर मैं?